नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। पुणे पुलिस ने पूर्व मंत्री उदय सामंत के वाहन पर कथित हमले के कुछ घंटों बाद शिवसेना के शहर इकाई के प्रमुख संजय मोरे सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो चंद्रपुर जिले के पड़ोली पुलिस थाना क्षेत्र स्थित लहुजी नगर निवासी एक 11 वर्षीय छात्र स्कूल जाने के बजाय घूमने निकल गया। इसके बाद घर वालों की डांट से बचने के लिए खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। वहीं शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने आज कहा कि हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। तो उधर ठाणे के नए शिवसेना जिला प्रमुख केदार दिघे कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है कि उनके खिलाफ एक रेप पीड़िता को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच 15 दिन के बच्चे को बेचने की कोशिश करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों महिलाएं एक नवजात बच्ची का सौदा 4,50,000 रुपए में कर रही थी। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पुणे पुलिस ने पूर्व मंत्री उदय सामंत के वाहन पर कथित हमले के कुछ घंटों बाद शिवसेना के शहर इकाई के प्रमुख संजय मोरे सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोरे के अलावा अन्य संदिग्धों में कटराज में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की रैली के आयोजक संभाजी थोरवे, पार्टी कार्यकर्ता राजेश पलस्कर, चंदन सालुंगे, सूरज लोखंडे और रुपेश पवार शामिल है। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति उद्धव ठाकरे खेमे के प्रति वफादार है। मोरे ने पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे की जनसभा काफी हिट रही, इसलिए पुलिस ने शिवसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। आदित्य ठाकरे की रैली की समाप्ति के ठीक बाद सामंत पर हमला हुआ। आक्रामक शिवसैनिकों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। सामंत एकनाथ शिंदे कैंप के वफादार तानाजी सामंत के घर जाने के लिए निकले थे। पुणे के कटराज इलाके में जैसे ही उनकी SUV पहुंची कि पत्थरों से हमला कर दिया। हमले के दौरान आगे की सीट पर बैठे सामंत बाल बाल बचे। हालांकि सामंत की SUV का पिछला शीशा पूरी तरह से टूट गया। बता दें कि सामंत उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। वे 39 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने जून में शिवसेना में विद्रोह कर दिया और शिंदे खेमे में शामिल हो गए। भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाने में 15 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। कक्षा 5वीं के 11 वर्षीय छात्र के कारमाने से पुलिस भी दंग है। पुलिस घंटों इस मामले को लेकर परेशान रही। मामला चंद्रपुर जिले के पड़ोली पुलिस थाना क्षेत्र की है। लहुजी नगर निवासी एक 11 वर्षीय छात्र स्कूल जाने के बजाय घूमने निकल गया। इसके बाद घर वालों की डांट से बचने के लिए खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। उसने पुलिस से इस बारे में शिकायत भी की। पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। घंटों जगह जगह के CCTV फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जब पुलिस को बच्चे पर संदेह हुआ तो प्यार से पूछताछ की गई, तब पूरी कहानी सामने आई। बताया जा रहा है कि छात्र हमेशा क्राइम से जुड़े शो देखता था, जिससे उसने अपहरण की कहानी रची। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसे इंदिरा गांधी विद्यालय के पीछे से एक सफ़ेद महिंद्रा पिकअप वाहन में डालकर ले जाया गया। इस वाहन में पहले से ही 2 लड़के थे। वो वाहन चंद्रपुर नागपुर मार्ग की ओर निकला। इस दौरान अचानक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास वाहन की स्पीड कम हुई तो वो और अन्य लड़के गाड़ी से कूदकर दौड़ते हुए पड़ोली पुलिस थाना के सामने से जाते हुए घर पहुंच गया। छात्र ने यह घटना घर में बताई तो माता पिता रिश्तेदार के साथ पड़ोली पुलिस थाना शिकायत देने पहुंचे। लगातार 3 घंटे पुलिस खोजबीन कर रही थी, लेकिन किसी प्रकार के पिकअप वाहन तथा भागते हुए छात्र किसी CCTV में नहीं दिखाई दिए। पुलिस को संदेह हुआ और फिर पूरी कहानी सामने आई। शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने आज कहा कि हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश सालवे ने कहा कि इस मामले में दल बदल कानून तो लागू ही नहीं होता है। ये तभी लगता है जब विधायक अथवा सांसद किसी दूसरे दल में जाए और फिर पार्टी को छोड़ दे। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सिर्फ पार्टी नेतृत्व से नाराज है और अलग गुट के तौर पर दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि बहुमत उनके साथ है। सांसद और विधायकों का बहुमत एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और सांसद चाहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप में बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टी से अलग होने का नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर ही तनाव और फेरबदल की मांग का है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बागी विधायक पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। अब भी एक तिहाई विधायक पार्टी के साथ है। उन्होंने दलील दी कि बागी विधायकों को नया दल बनाना होगा या फिर किसी और पार्टी में शामिल होना होगा। एकनाथ शिंदे सरकार का गठन भी गलत तरीके से हुआ है और उसके द्वारा लिए गए सभी फैसले अवैध है।
चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। थाने के नए शिवसेना जिला प्रमुख केदार दिघे कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है कि उनके खिलाफ एक रेप पीड़िता को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 3 दिन पहले ही दिघे को ठाणे जिला की कमान दी थी। वो दिवंगत आनंद दिघे के भतीजे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिघे पर एक 23 वर्षीय रेप पीड़िता को धमकाने के आरोप है। शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख के दोस्त ने लोअर परेल स्थित 5 सितारा होटल में कथित तौर पर महिला के साथ बलात्कार किया था। दिघे और उनके दोस्त रोहित कपूर के खिलाफ NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें शिकायत मिली थी और दिघे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये मामला कथित रूप से 28 जुलाई का है। पुलिस का कहना है कि महिला होटल में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती है और वो क्लब मेंबरशिप बेचने के लिए कपूर से मिली थी। बाद में महिला ने आरोप लगाया कि जब वो चेक लेने के लिए उनके रूम में गई तो कपूर ने उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने दोस्त को जानकारी दी और बाद में सोमवार को कपूर का सामना करने के लिए उनके रूम में गई। तब दिघे ने पुलिस में शिकायत नहीं करने के लिए कथित तौर पर उन्हें रुपयों की पेशकश की और बाद में गंभीर परिणामों की धमकी दी। 15 दिन के बच्चे को बेचने की कोशिश करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सियोन इलाके में एक नर्सिंग होम में ये दोनों महिलाएं नवजात बच्ची का सौदा 4,50,000 रुपए में कर रही थी। मुंबई पुलिस ने जूलिया फर्नांडिस और शबाना शेख को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि जयप्रकाश जाधवन नाम के एक शख्स ने इस बात की शिकायत की थी। वो पुणे के एक एडॉप्टेशन सेंटर में काम करता है। उसे जानकारी मिली कि मुंबई की एक महिला बच्ची को बेचना चाहती है। इसके बाद इस बात की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज को दे दी गई। मुंबई पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने जाल बिछा दिया। शिकायतकर्ता ने फोन पर फर्नांडिस से बात की तो उसने 4,50,000 रुपए की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि इसमें 4 लाख रुपए बच्ची के माँ बाप को दिया जाना था और बाकी का उसका खुद का चार्ज था। फर्नांडिस ने शिकायतकर्ता को नर्सिंग होम में बुलाया। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ही शिकायतकर्ता की पत्नी बनकर पहुंची। शिशु को उनके हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। व्हाट्सएप माहौल खराब करने वाले यूजर्स पर सख्ती से एक्शन ले रही है। कंपनी ने अपनी ग्रीवांस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के खिलाफ अलग स्टैंड लेते हुए NDA उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। तो उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकद के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 विधायकों को लेकर अब पश्चिम बंगाल CID और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद छिड़ गया है। इस बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब चलती ट्रेन में वेटिंग या RSC टिकट को कंफर्म कराने के लिए TT की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी, न ही कोच में उनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। व्हाट्सएप माहौल खराब करने वाले यूजर्स पर सख्ती से एक्शन ले रही है। कंपनी ने अपनी ग्रीवांस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी कि जून में व्हाट्सएप ने 22 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। इसी के साथ ही कंपनी ने जून में 632 ग्रीवांस रिपोर्ट प्राप्त की थी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने जून महीने की रिपोर्ट IT निगम 2021 के अनुसार प्रकाशित की, जिसका टाइटल इंडिया मंथली रिपोर्ट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है। प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज के बीच दुरुपयोग को रोकने में एक इंडस्ट्री लीडर है। साल से हमने लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीक, डेटा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने के लिए। इस यूजर सेफ्टी रिपोर्ट में उपयोगकर्ता की ग्रीवांस की डिटेल और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयां शामिल है। 1 जून से 30 जून 2022 तक 22,10,000 भारतीय खाते बैन किए गए हैं। अकाउंट पर बैन लगाने के लिए 426 अनुरोध और 16 ग्रीवांसेस सुरक्षा कारणों से की गई और इस दौरान प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 64 अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी सरीखे नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्री हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। आज आप देख सकते हैं सभी एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग अलग दल के नेता इस यात्रा में शामिल है। आने वाली पीढ़ियों को इससे संदेश दिया जा रहा है कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को और मजबूत तथा ताकतवर बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक एक तरफ आज़ादी के 75 साल को उत्सव के रूप में मना रहा है, तो दूसरी ओर पीएम का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पर हर नागरिक खड़ा उतरे, ये प्रयास हम सबका है। राहुल गांधी ने भी अपनी डीपी तिरंगे से बदल ली है, उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी नजर आ रहे हैं। राहुल ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के खिलाफ अलग स्टैंड लेते हुए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीएसपी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट देंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। एन चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से इसके लिए फिर अंततः चुनाव होगा। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। बता दें कि बसपा ने इसके पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोट पड़ेंगे, उसी दिन मतों की गणना भी होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने मार्गरेट अलवा को प्रत्याशी चुना है। मार्गरेट अलवा भी राज्यपाल रह चुकी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकद के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 विधायकों को लेकर अब पश्चिम बंगाल की सीआईडी और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद छिड़ गया है। बंगाल सीआईडी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उनकी टीम को इसमें से एक विधायक की दिल्ली स्थित संपत्ति पर छापेमारी से रोक दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी जिस कार में यात्रा कर रहे थे उसमें से 49 लाख रुपए जब्त करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीआईडी के इंस्पेक्टर अर्जित भट्टाचार्य ने बताया कि इन विधायकों से हुई पूछताछ में सिद्धार्थ मुजुमदार का नाम सामने आया है, इसलिए सिद्धार्थ मुजुमदार के घर में सर्च ऑपरेशन के लिए हम सर्च वारंट लेकर आए थे, पर दिल्ली पुलिस ने हमारी टीम को छापेमारी से रोक दिया। इस तरह का रोका जाना पूरी तरह से अवैध है, हम अपना निजी काम नहीं करने गए थे। वही दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिस अधिकारी का नाम सर्च वारंट में है उसके बदले कोई दूसरा जांच अधिकारी आया है, जांच अधिकारी अभी नहीं पहुंचा है, वारंट स्वीकार कर लिया गया है, लिहाजा हम अपने स्तर पर तस्दीक कर रहे हैं, हमारी ओर से कोई व्यवधान नहीं डाला जा रहा है। चलती ट्रेन में वेटिंग या आरएसी टिकट को कंफर्म कराने के लिए टीटी की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी, न कि कोच में उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। रेलवे मंत्रालय के एक फैसले से विंडो टिकट और आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे प्रीमियम, मेल और एक्सप्रेस व ट्रेनों के टीटी को हैंडहेल्ड टर्मिनल एचएसटी देने जा रहा है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एचएसटी डिवाइस से खाली बर्थ वेटिंग या आरएसी नंबर और श्रेणी के अनुसार स्वतः ही कन्फर्म होती जाएंगी। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ प्रीमियम ट्रेनों में टीटी को एचएसटी डिवाइस दी थी। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। यात्रियों के वेटिंग या आरएसी टिकट चार्ट बनने के बाद चलती ट्रेनें में स्वतः कंफर्म हुए और उनके पास मैसेज पहुंचे। एचएसटी की सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 559 ट्रेनों में टीटी को 5850 एचएसटी डिवाइस दे दी है। रेलवे की योजना धीरे धीरे प्रीमियम ट्रेनों के साथ सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में देने की है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार सामान्य दिनों में प्रतिदिन 12.5 लाख रिजर्वेशन होते हैं। जब सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एचएसटी डिवाइस से टिकटों की जांच की जाएगी तो कंफर्म होने वाले टिकटों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। मौजूदा समय काफी ट्रेनों में टीटीआई चार्ट लेकर टिकट की चेकिंग करते हैं। कई बार टीटीई चार्ट लेकर टिकट की चेकिंग करते हैं।
कई बार टीटीई बर्थ कंफर्म करने के नाम पर सौदेबाजी कर लेते हैं। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए रेलवे एचएसटी डिवाइस सौंप रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से गुस्से में आग बबूला चीन ने ताइवान पर एक के बाद एक कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो अमेरिका की सबसे ताकतवर महिला नैन्सी पेलोसी ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में दुनिया के किसी देश के नेता ने नहीं सोचा था। वहीं पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 34 विदेशी नागरिकों और 351 विदेशी कंपनियों से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो उधर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने दुनिया को आगाह किया है कि हम सब परमाणु विध्वंस से महज एक कदम की दूरी पर खड़े हुए हैं। इस बीच मिस्र में एक प्राचीन सूर्य मंदिर की खोज हुई है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये मंदिर 4,500 साल पुराना है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से गुस्से में आग बबूला चीन ने ताइवान पर एक के बाद एक कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये प्रतिबंध चीन के सीमा शुल्क प्रशासन और वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। उसने ताइवान से फल और मछली के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि रेत के शिपमेंट को रोक दिया गया है। ताइवान के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक रेत का उपयोग आमतौर पर कंक्रीट और डामर के उत्पाद के लिए किया जाता है। ताइवान के अधिकांश आयातित रेत और बजरी चीन से ही आती है। अपनी रिपोर्ट में एक कृषि विश्लेषक के हवाले से चीन ने बताया कि ये कदम बीजिंग के लिए सामान्य पैटर्न का हिस्सा है, लेकिन ताइवान के लिए भारी पड़ सकता है। एक नोटिस में चीन के वाणिज्य विभाग ने मंत्रालय ने कहा कि विवरण प्रदान किए बिना ताइवान को प्राकृतिक रेत के निर्यात को निलंबित किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में कृषि और खाद्य व्यापार में और व्यवधान को आने की आशंका है। इसके अलावा चीन का सीमा शुल्क प्रशासन ताइवान से कुछ खट्टे फलों के आयात को भी निलंबित कर सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ताइवान के निर्यात को लक्ष्य बनाया हो। चीन ने मार्च 2021 में कीटों की खोज का हवाला देते हुए अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसका कारण कुछ और ही बताया जा रहा है। अमेरिका की सबसे ताकतवर महिला नैन्सी पेलोसी ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में दुनिया के किसी देश के नेता ने नहीं सोचा था। पेलोसी चीन की धमकियों को नजरअंदाज करती हुई ताइवान पहुंच गई और उन्होंने वहां के सांसद को भी संबोधित कर डाला। जिस तरह से शोंगशन एयरपोर्ट पर पेलोसी का स्वागत किया गया, वो चीन का खून जलाने वाला था। कल मंगलवार का दिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक खास दिन था। लोगों ने नैन्सी के प्लान को हर सेकंड ट्रैक किया और इसकी रियल टाइम जानकारी हासिल की। नैन्सी जिस प्लेन में सवार थी वो यूएस एयरफोर्स का बोइंग C-40 CJet है। दिखने में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होने वाले एयरफोर्स वन जैसे दिखने वाले इस प्लेन की कई खूबियां हैं। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स, सरकार के मंत्री और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट दूसरे ऑपरेशनल सपोर्ट मिशन के लिए भी यूज होता है। इसके सुरक्षा उपकरणों में सबसे खास है ट्रैफिक कलिशन सिस्टम और इसकी वेदर रडार। इसके केबिन एरिया में क्रू रेस्ट एरिया, विजिटर कंपार्टमेंट्स जिसमें सोने की भी जगह है, 2 गैलरी और बिजनेस क्लास सिटिंग है जहां पर ऑफिस की तरह टेबल्स दी गई है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को झटका देते हुए उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI को 34 विदेशी नागरिकों और 351 विदेशी कंपनियों से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। ईसीबी के 3 सदस्य पीठ ने PTI के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर द्वारा दायर एक मामले में सर्वसम्मत फैसले की घोषणा की, जो नवम्बर 2014 से लंबित था। पीठ में मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद दुर्रानी और शाह मोहम्मद जटोई शामिल थे। आयोग ने कहा कि इमरान खान की PTI को भारतीय मूल की एक अमेरिकी व्यवसायी महिला रोमिता शेट्टी से भी चंदा मिला, जो नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा PTI ने जानबूझकर वुटन क्रिकेट लिमिटेड से $21,21,500 धन प्राप्त किए। यही नहीं, पार्टी को PTI कनाडा कॉरपोरेशन और PTI UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी के माध्यम से भी चंदा मिला। पार्टी ने 13 खातों को गुप्त रखा, जो पाकिस्तान के संविधान का एक और उल्लंघन है। याचिकाकर्ता बाबर ने कहा कि ये PTI के फांसीवाद को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। इस पर इमरान की पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया को टेंशन में डाल रखा है, वहीं दूसरी चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया का अधिकांश देश परमाणु संपन्न होना चाहता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले को लेकर विवाद रहता है।
वहीं नॉर्थ कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया पर परमाणु हमला करने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे समय संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने परमाणु विध्वंस को लेकर बड़ी बात कह दी है। गुतारेस ने दुनिया को आगाह किया है कि हम सब परमाणु विध्वंस से महज एक कदम की दूरी पर खड़े हैं। उन्होंने खास तौर से यूक्रेन में युद्ध और पश्चिम एशिया तथा एशिया में संघर्षों के परमाणु हथियारों के खतरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया तथा एशिया विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व में बढ़ रहे परमाणु खतरा को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख और अन्य वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं गुतारेस ने परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा करने के लिए महीने भर चलने वाले सम्मेलन में भाग ले रहे कई मंत्रियों, अधिकारियों और राजनयिकों से कहा कि ये बैठक हमारी सामूहिक शांति एवं सुरक्षा के लिए एक अहम वक्त में हो रही है। दुनिया में सूर्य मंदिरों को लेकर कई सारे रहस्य हैं। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। मिस्र में भी एक प्राचीन सूर्य मंदिर की खोज हुई है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये मंदिर 4500 साल पुराना है। खोज से मिले संकेत बताते हैं कि ये पांचवें राजवंश के खोए हुए चार सूर्य मंदिरों में से एक का हो सकता है। मिस्र में सूर्य मंदिर की खोज होना एक दुर्लभ घटना है। पुरातत्वविदों बताते हैं कि मंदिर को मिट्टी के ईंट से निर्माण किया गया था। ये मिट्टी के ईंट से बनी इमारत मिस्र के पांचवें राजवंश के खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक है। इतिहासकार बताते हैं कि मिस्र का पांचवा राजवंश 2465 से 2323 ईसा पूर्व तक था। बता दें कि सूर्य देवता को समर्पित रथ के आकार में बना ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की मध्यकालिक वस्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अब मिस्र में हजारों साल पुराने सूर्य मंदिर का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। मिस्र का ये प्राचीन सूर्य मंदिर काहिरा के दक्षिण में स्थित अबुसीर के राजा नुसेरे के मंदिर के नीचे मिला है। जब खुदाई हुई तो मंदिर के नीचे ईंट से बनी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई करने वाले इसे एक अद्भुत खोज बता रहे हैं। जमीन के नीचे खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, पांचवे राजवंश के राजाओं के नाम वाले कुछ स्टैम्प भी मिले हैं। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।